रायबरेली के सुदामापुर गांव के लिए शुक्रवार का दिन काला साबित हो गया। शिक्षक सुनील, उनकी पत्नी पूनम और दो मासूम बच्चों के शव कफन में लिपट कर गांव पहुंचे तो देखने वाले हर शख्स की आंख रो पड़ी। आंसुओं के सैलाब के साथ चीत्कारों ने नियति को दुहाई दी। पिता राम गोपाल और माँ राजपति तो इस तरह बिलख रहे थे कि उनकी ये दशा देख कर लोगों का मन मस्तिष्क तक डिग गया। जो वहाँ मौजूद थे, कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसकी आँख में आंसू ना हो। चार शवों ने हर किसी को भीतर से हिलाकर रख दिया। खाकी वर्दी में मौजूद पुलिस भी शवों को देखकर स्तब्ध रह गई। पिता राम गोपाल को सीओ डलमऊ अरुण कुमार नवाहार ढांढस बंधाते दिखे। ग्रामीणों के लिए ये घटना किसी अभिशाप से कम नहीं है। बता दें कि मौत के बाद की तस्वीरें कितनी भयावह होती हैं, वो सुदामापुर में चार शवों को देखकर ग्रामीणों को लगा। गांव का कोई ऐसा गलियारा नहीं बचा जहां पर कांड को लेकर अफसोस न जताया जा रहा हो। हर कोई विधाता से परिवार को किस गलती की सजा देने के बारे में दुहाई देता रहा। बता दें कि रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव में लगभग 10:30 बजे मृतक शिक्षक समेत चारों शव जब घर पहुंचे, इस दौरान अमेठी सांसद केएल शर्मा भी गांव पहुंचे। वहीं सांसद के सामने परिवार व ग्रामीणों ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।